सीबीएसई ने जारी किया 10वीं 12वीं का रिजल्ट। पलक बोली, मेहनत से मिली सफलता, माता पिता और टीचर को दिया श्रेय। ग्वालियर ग्लोरी स्कूल की 12वीं की छात्रा पलक गावरा ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम में 94% अंक हासिल किए हैं। पलक कॉमर्स की स्टूडेंट है। रिजल्ट में अच्छे अंक हासिल करने पर पलक के परिवार में खुशी का माहौल है। पलक का कहना है कि पढ़ाई के दौरान कभी घूमने का मन करता था, कभी पढ़ाई ना करने का मन भी होता था, लेकिन इन सभी पर काबू पाकर अच्छा परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। पलक ने ये भी बताया कि पढ़ाई में सब्जेक्ट वो चुनना चाहिए जो आपको पसंद हो, किसी के दबाव में सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो उससे डरना नहीं चाहिए। लोग आपको डराएंगे लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए। आप पढ़ाई के दौरान अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलोगे तो सफलता जरूर हासिल होगी। परीक्षा के समय पलक ने अपना सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम का आईडी भी लॉक कर दिया था। उन्हें लगता था कि सोशल मीडिया यूज करने से उनकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। पलक ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार साथ ही अपने टीचर को दिया है। पलक अब अच्छे कॉलेज से एमबीए करना चाहती है और मैनेजर बनना चाहती है। पलक की इस मेहनत पर मां कंचन का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी अच्छा परिणाम हासिल करेगी। पलक को पढ़ाई के समय मेरा पूरा सपोर्ट रहा। पढ़ाई से संबंधित उसे किसी चीज को लेकर एडजस्ट नहीं करना पड़ा। बचपन से ही पलक होशियार रही है और उसके अच्छे रिजल्ट आते रहे हैं। पलक ने मुझे मदर्स डे का गिफ्ट दिया है। वही सेंट्रल अकेडमी स्कूल की 12th क्लास की छात्रा यशस्वी बरहोरिया ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 93.6 अंक हासिल किए हैं। यशस्वी छात्र एसपी बरहोरिया ने एक वार्ता के दौरान बताया कि वो वैसे तो जे मेंस एडवांस रोबोटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने 12th की पढ़ाई पर ज्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन लास्ट के मंथ में पढ़ाई पर फोकस किया था और कोचिंग वालों ने काफी मदद भी की थी। पिछले 2 सालों से वो जेई मेंस एडवांस की पढ़ाई कर रही थी। 11वीं क्लास अच्छी नहीं गई थी, लेकिन 12th के पेपर पर ज्यादा ध्यान दिया। कोचिंग वालों ने भी अच्छा सपोर्ट किया। यही नहीं था कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बीच के समय वो अपना एंजॉय भी करती थी। यशस्वी बरहोरिया का कहना है कि मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा है। पापा मम्मी का कहना था कि अगर पास हो जाओगे तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक साथ रहते हैं और हमेशा एक बैकअप प्लान रहता था। आगे एडवांस लेंगे और रोबोटिक इंजीनियर बनना है। अब आगे जो बच्चे 12th और सीबीएसई की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए इतना ही कहा कि ज्यादा ये नहीं सोचा है कि रिजल्ट कैसा आएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसे इंजॉय करके पढ़िए। अगर कोई बच्चा मैथ लेकर पढ़ रहा है तो वो वही पढ़े, माता पिता या किसी के कहने पर बायोलॉजी लेकर पढ़ता है तो वो बिल्कुल ये ना करे। उसे जो सब्जेक्ट पसंद है वो उसी में पढ़ाई करे। सोशल मीडिया के पूछे गए सवाल पर यशस्वी ने बताया कि वो सोशल मीडिया पर बिल्कुल नहीं है, उनके पास 2 साल से मोबाइल कोई भी नहीं है और वो सोशल मीडिया ज्यादा यूज भी नहीं करती हैं। उनके पिता संजय भदौरिया आर्मी से रिटायर्ड हैं और एसबीआई बैंक में अभी कार्य करते हैं। उनकी माँ हाउसवाइफ हैं। वो कभी समय देखकर नहीं पढ़ती थी, जब भी उन्हें समय मिलता था वो पढ़ाई करती थी। ग्वालियर सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में इस साल 12वीं में 87.98% छात्र पास हुए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 0.65% ज्यादा है। पर पिछली बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। 91% से ज्यादा छात्राएं पास हुई हैं। कुछ इस तरह का हाल भी 10वीं के परिणामों में भी रहा। ग्वालियर में भी परीक्षा परिणाम आने के बाद छात्राओं का प्रतिशत बेहतर रहा है। सीबीएसई से जुड़े स्कूल में एनालिसिस शुरू हो गया है। परीक्षा परिणाम अच्छा होने पर छात्र छात्राओं में खुशी है और हर तरह का जश्न का माहौल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।